वेलकम टू बीट द स्ट्रीट मैं हूं सी सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं अ क्लासिक केस ऑफ फंड डाइवर्जन एंड फ्रॉड हाउ द कंपनी हैज चीटेड विद देयर माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स और हाउ द प्रमोटर्स हैव चीटेड विद द माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स इस वीडियो में हम अपने क्लासिक एग्जाम्पल समझेंगे कि कैसे प्रमोटर्स ने एक अच्छे प्रॉफिटेबल बिज़नेस से पैसा घुमा के बाकी अदर लॉस मेकिंग बिजनेस को फंड किया है सो प्लीज़ बी विद मी एंड यू विल फाइंड दिस केस वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस केस ये आपको बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि हाउ प्रमोटर प्लेज एंड टू बेसिकली आपको हमेशा ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे प्रमोटर खेल रहा है और कहाँ पे आपको यहाँ पे बचने की ज़रूरत है ठीक है सो इफ़ यू आर कमिंग टू द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक ज़रूर करें चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन से ठीक है सो हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन द स्टॉक इज ऑलरेडी डाउन फ्रॉम इट्स पीक बाय अराउंड थर्टी फोर्टी परसेंट बट एग्जैक्टली वॉट हैपन सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें हुआ क्या था वाई हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन जो कि एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था और एक अच्छी खासी आई टी कंपनी थी उसमें कैसे हिंदुजा ग्रुप ने बेसिकली द प्लेड द गेम ओके सो आई मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द इवेंट्स विच हैज़ हैपन सिंस लास्ट वन ईयर ठीक है तो इस द बैक स्टोरी क्या थी तो बैक स्टोरी ये थी कि हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशंस का एक बिजनेस था हाई मार्जिन क्रैश जनरेटिंग बिजनेस विच इज़ कॉल्ड हेल्थ केयर बिजनेस हेल्थ केयर बिजनेस में भी क्या आता था हेल्थ केयर सर्विसज बिजनेस ठीक है आई टी कंपनी थी हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशंस ठीक है जो हेल्थ केयर कंपनीज़ को आई टी सर्विसज देने का काम करती थी तो उन्होंने बेसिकली ये जो पूरा बिजनेस था करीबन आठ हज़ार करोड़ या साढ़े सात हज़ार करोड़ में इन्होंने बेरिंग करके एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी है उसको बेच दिया था ठीक है नाउ हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन वॉज सिटिंग एट अराउंड एट थाउजेंड करोड ऑफ ठीक है एट थाउजेंड टू सेवन थाउजेंड करोड फंड इन जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वैन द डील वॉज कंक्लूडेड सो वॉट एग्जैक्टली हैपन नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ सबसे पहली बात तो अगर अपन समझे कि द रेशनल बिहाइंड द सेलिंग द बिजनेस इज अनएक्सप्ले बिकॉज यू आर सेलिंग अ हाई कैश रिच बिजनेस एंड अ हाई मार्जिन बिजनेस एंड डेफिनेटली रेज इज द लॉट ऑफ क्वेश्चन ठीक है और उसके बाद अगर अपन बात करें द बिज़नेस जिस वैल्यूएशन पे बेचा गया था इट वाज सोल्ड एट अ दैट टाइम प्राइस टू सेल्स ऑफ थ्री वैल टीसीएस ट्रेड्स एट अ वैल्यूएशन ऑफ प्राइस टू सेल्स ऑफ सिक्स एंड टाटा एलेक्सी यूज्ड टू ट्रेड एट अ प्राइस टू सेल्स वैल्यूएशन ऑफ सिक्सटीन आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने कम भाव पे एक अपना बहुत अच्छा बिजनेस बेचा है डेफिनेटली दे मे हैव अ सम किकबैक फ्रॉम द बेरिंग ठीक है सो so, अब यहाँ पे क्या किया बेसिकली कंपनी ने एक और जो चीज़ करी वो ये किया कि अब आठ हज़ार करोड़ रुपए आइडियली दे शुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स सिंस आईटी कंपनी है तो इसको बेसिकली किसी भी तरह की कैपेक्स या किसी भी तरह की है ना बिजनेस एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं होती है जनरली एन आईटी कंपनी इज़ अ कैशलेस बिजनेस एंड गिव अ हाई डिविडेंड्स एंड हाई बाईबैक करते हैं बट हिंदुजा ने ऐसा नहीं किया सो वॉट एग्जैक्टली रेट ऑफ एट थाउजेंड करोड्स सो उसमें से तीन सौ करोड़ का कुछ उन्होंने डिविडेंड दिया प्लस लेट एट सम फिफ्टी हंड्रेड करोड्स का फर्दर डिविडें हैव गि सो लेट से फाइव हंड्रेड करोड्स का डिविडेंड दिया एंड मोर रेजेज द क्वेश्चन ऑन द लोन्स एंड एडवास एडवांसेज थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़्स का लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट किया जो बेसिकली रिलेटेड पार्टी में जाने वाला है देन फाइव हंड्रेड करोड़्स का प्रमोटर्स को लोन दिया वो भी एक अपने आप में रिलेटेड पार्टी है एंड लास्ट में हंड्रेड करोड़ का एक और कुछ लोन दिया इन्होंने वो भी एक अपने आप में रिलेटेड पार्टी है ठीक है सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से और इनने एक है ना बाईबैक भी किया था सो आई गिव यू एन अपडेट ऑल्सो सो बेसिकली अगर आप समझोगे आठ हज़ार करोड़ में से मेजर पैसा कहाँ चला गया प्रमोटर्स के पास कैसे गया लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के थ्रू ठीक है नाउ कमिंग बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि मैं एक आपको देना चाहूँगा कि वॉट एग्जैक्टली हैपन हिंदुजा एज अ बैड हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इफ यू रिमेंबर द कोविड पीरियड तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था इंडिसन बैंक क्रैश्ड अराउंड फिफ्टी परसेंट नॉट बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दोज थिंग्स बट बिकॉज ऑफ द प्लेज ठीक है सो इट क्रैश्ड अराउंड फिफ्टी परसेंट इट इरोडेड ऑल द गेन्स दे मेड इन लास्ट फोर फाइव ईयर्स ठीक है सो वॉट एग्जैक्टली नाउ हैपन्स देन अभी यहाँ पे क्या किया इन लोग ने आ, उन्होंने 200 करोड़ का फिर एक वापस इंटर्म डिविडेंड वगैरह भी लिया ठीक है बट क्या होता है आप एक और चीज़ समझिए कि जब डिविडेंड आप अनाउंस कर रहे हैं जो भी 400 500 करोड़ का तो उसमें से मेजर जो बेसिकली पैसा है वो हमेशा प्रमोटर्स के पास ही जाने वाला है बिकॉज प्रोमोटर्स ओवर अनाउंस सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट इन एच जी एस ठीक है नाव अगर अपन देखें तो इसको एक और तरीके से सोचे तो एच जी एस का जो वैल्यूएशन है वो अराउंड फोर्टी परसेंट ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज देर प्राइस अर्निंग्स पर शेयर वो बहुत ज़्यादा स्टीपली फॉल हो जाएंगे ठीक है दिस इज द रीजन वाई एच जी एस का यहाँ पर शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया है ठीक है एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूँगा अबाउट एच जी एस अभी एच जी एस आई थिंक है ना तीन के पी पे ट्रेड होता है इसके पीछे एक रीज़न है कि एच जी एस मेड अराउंड फाइव थाउजेंड ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग दिस बिजनेस ठीक है दैट इज़ द काइंड ऑफ मनी दे मेड अब यहाँ पे क्या होता है ये पाँच हज़ार करोड़ का जो प्रॉफिट है बार बार नहीं होने वाला है ठीक है सो वो प्राइस टू तो इक्विटी जो, जो, जो प्राइस टू तो अर्निंग रेशो है वो आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा अजीब लगेगा ठीक है बट वर्चुअली देयर पी हैज़ ऑलरेडी वेरी हाई ठीक है सो व्हाट एग्जैक्टली अपन अब आठ हज़ार का तो करोड़ का उसमें थोड़ा सा चार हजार करोड़ ऑलरेडी प्रमोटर्स को दे दिया नाउ देयर रेज इज अनाथ क्वेश्चन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन लोग ने क्या किया नेक्स्ट डिजिटल करके एक कंपनी है जो मीडिया कम्युनिकेशन के अंदर काम करती है उनका एक लॉस मेकिंग बिजनेस और प्रोबेबली मेजर लॉस मेकिंग बिजनेस हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस ने अक्वायर कर लिया फर्स्ट ऑफ ऑल इट रेजेस लॉट ऑफ क्वेश्चन की एक आई टी कंपनी एक मीडिया कम्युनिकेशन बिजनेस को क्यों अक्वायर कर रही है ऑल्सो इट रेजेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन की एक लॉस मेकिंग बिजनेस को अक्वायर करने का क्या मतलब है जब कंपनी ने रिसेंटली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को बेचा है प्रॉफिटेबल बिजनेस को बेच के मैं अगर लॉस मेकिंग बिजनेस खरीद रहा हूँ तो किसका फायदा होगा आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट किसका फायदा होगा यहाँ पर फायदा होगा नेक्स्ट डिजिटल का कैसे देखो नेक्स्ट डिजिटल इज अ ऑल्सो ओन बाई हिंदुजा ग्रुप ठीक है हिंदुजा में इसका लगभग है ना सिक्सटी फाइव परसेंट स्टेक है और कुछ टेन परसेंट अनडिस्कलोज टेक है जो प्रमोटर्स ने प्रमोटर कंपनीज का है बट प्रमोटर्स ने उसको क्लासिफाई नहीं कर रखा है तो आई टेल यू हाउ दैट थिंग्स हैव हैपन ठीक है अभी नेक्स्ट डिजिटल एक लॉस मेकिंग बिजनेस था स्वैप रेशो के थ्रू उनको नेक्स्ट डिजिटल में जो जो भी शेयर होल्डर्स थे उनको बेसिकली हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशंस के शेयर मिल गए एक अच्छी कंपनी के शेयर मिल गए बाय सेलिंग द लॉस मेकिंग बिजनेस फ आई गिव यू मोर फर्दर कैलकुलेशन देखो आप समझिए वापस से बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ देखो हिंदूचा ग्लोबल सोल्यूशन में सिक्सटी फाइव परसेंट स्टेक है प्रमोटर्स का बट नेक्स्ट डिजिटल के अंदर सेवेंटी फाइव परसेंट है स्टेक है ठीक है अब यहाँ पे आप बात समझिए कि फायदा किस में हो रहा है नेक्स्ट डिजिटल में हो रहा है क्योंकि उसका लॉस मेकिंग बिजनेस चला गया ठीक है अब नेक्स्ट डिजिटल के अंदर तो पिचहत्तर परसेंट प्रमोटर का स्टेक है और यहाँ पर केवल सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन परसेंट ही है तो डेफिनेटली द प्रमोटर्स और द शेयर होल्डर्स सिटिंग इन नेक्स्ट डिजिटल विल गेन ठीक है और प्रमोटर्स ने वैसा भी पैसे बना लिया अगर आप ये कहते हो कि देखो यार ना नेक्स्ट डिजिटल ने तो अपना ही एक बिजनेस बेचा प्रमोटर एंटिटी को जहाँ पे भी प्रमोटर का उतना ही स्टेक है और प्रमोटर भी सेम ही है बट ऐसा नहीं है वहाँ पे जिस एंटिटी में कचरा लाया जा रहा है लॉस मेकिंग बिजनेस लाया जा रहा है उसमें प्रमोटर का केवल पैंसठ परसेंट स्टेक है और जिससे कचरा साफ किया जा रहा है वहाँ पे सेवेंटी फाइव परसेंट स्टेक है ठीक है तो ये एक ट्रांजेक्शन था जहाँ पे लॉस मेकिंग प्रॉफिट प्रॉफिटेबल बिजनेस को बेच के लॉस मेकिंग बिजनेस को यहाँ पे फ़ायदा दिया गया ठीक है और इससे घूम फिर के फायदा एक इकलौते शेयर होल्डर्स का हुआ है एक तो प्रमोटर्स का हुआ है दूसरा जो नेक्स्ट डिजिटल के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन है बेसिकली पब्लिक में बट एक जने का नुकसान हो गया जो हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन के अंदर पब्लिक थी उनका बेसिकली बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया ठीक है यहाँ पे फर्दर एक और जो अभी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन है अभी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब क्या किया इन लोग ने कि नेक्स्ट डिजिटल की बैलेंस शीट भी साफ कर दी ठीक है नेक्स्ट डिजिटल ने अपना लॉस मेकिंग बिजनेस बेच दिया अब नेक्स्ट डिजिटल ने क्या किया एक स्ट्रेसफुल बिजनेस खरीदा है हिंदुजा अभी हिंदुजा लेलैंड मैं आपको ब्रीफ देता हूं हिंदुजा लेलैंड ऑटो एनबीएफसी ठीक है ऑटो एन जो बेसिकली व्हीकल लोन्स देने का काम करती है ऑन द बिहाफ ऑफ अशोक लेलैंड ठीक है तो इट्स ओन्ड बाय अशोक लेलैंड अभी अशोक लेलैंड की एक जो कंपनी है हिंदुजा लेलैंड लैंड फिनेंस ये जो हिंदुजा लेलैंड फिनेंस है ना ये मर्ज हो रही है नेक्स्ट डिजिटल के साथ बट अभी यहाँ पे एक पहली बात तो ये एक ऑटो एन एक मीडिया आई कंपनी या मीडिया कम्युनिकेशन कंपनी के साथ क्यों मर्ज हो रही है इट रेजेज लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन द बिजनेस सेंस ऑल्सो इट्स अ केस ऑफ रिवर्स मर्जर बिकॉज हिंदुजा लेलैंड फिनेंस की जो नेटवर्क है वो करीबन अड़तीस सौ करोड़ रुपए है वहीं पर नेक्स्ट डिजिटल की जो नेटवर्क है वो करीबन चार सौ करोड़ रुपए के आसपास है ठीक है अब यहाँ पे एक और बात समझिए कि हिंदुजा लेलैंड ले फाइनेंस से यहाँ पे फायदा किसको हो रहा है वापस से अशोक लेलैंड को हो रहा है कैसे हो रहा है देखो अशोक लेलैंड इसमें मेजर शेयर शेयर होल्डर है हिंदुजा लेलैंड ले 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 फाइनेंस अभी एक अनलिस्टेड कंपनी थी बट सिंस दे हैव मर्ज विद द नेक्स्ट डिजिटल मतलब जो भी हिंदुजा लेलैंड ले 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 फाइनेंस को ओन करेगा उसको अब नेक्स्ट डिजिटल के शेयर मिल जाएंगे तो बेसिकली दे गेट अ बैकडोर रूट ऑफ लिस्टिंग एन अनलिस्टेड कंपनी विदाउट गोइंग विद द आई और एनी काइंड ऑफ एफ और एनी काइंड ऑफ पब्लिक वे ऑफ लिस्टिंग ठीक है इट्स अ बैकडोर लिस्टिंग विच विल गिव द लिक्विडिटी टू अशोक लेलैंड अभी अशोक लेलैंड को क्यों अभी मान लीजिए अनलिस्टेड कंपनी है अशोक लेलैंड की ठीक है तो उसको बेचने जाएगा तो उसको बेसिकली ढूंढना पड़ेगा बायर एंड ऑल दो थिंग्स बट अगर वो मार्केट में लिस्टेड है नेक्स्ट डिजिटल जैसे लिस्टेड है तो इट कैन ईजिली सेल ठीक है सो अशोक लेलैंड विल गोइंग टू बेनिफिट बाय डी लेवरेजिंग इट्स अनादर नॉन कोर बिजनेस यू कैन से ठीक है अच्छा एक और यहाँ पे क्वेश्चन है हिंदुजा लेलेंड फिनेंस इज वन ऑफ द बेस्ट एन बी एफ सी एक रिसेंट एच डी एफ सी की रिपोर्ट थी ऑटो एन बी एफ सी पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस लोन्स है ना इट फॉर्म्स अराउंड थर्टी फाइव परसेंट ऑफ ओवरऑल लोन बुक ठीक है वो हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस के अंदर है इससे ज़्यादा स्ट्रेस लोन का परसेंटेज किसी भी और ऑटो एनबीएफसी में नहीं है एंड आई विल टेल यू वेरी इंपॉर्टेंटली कि ऑटो लैंडिंग इज़ अ वेरी वेरी बैड लैंडिंग बिजनेस व्हाई बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा एन होते हैं ठीक है इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट बिजनेस टू बी एन ठीक है वर्स्ट ऑफ द लैंडिंग बिजनेस है ऑटो एन का अब यहाँ पे आज क्या हुआ है हम लोग ने आठ महीने पहले इसके बारे में लिखा था वी ऑल्सो मेड अ वीडियो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग ठीक है हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन पर जब ये सब चीज़ें हुई थी तो हम लोग ने उस पर वीडियो बनाया था बट टुडे आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि एग्जैक्टली exactly हुआ क्या था अब यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैं आपको एक एक क्वेश्चंस करके लेके चलता हूँ आज ईटी पे एक आर्टिकल भी आया है विच रेजेज लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द हिंदुजा कंपनी हाउ दे ऑपरेट सबसे पहले तो ये जो सारा बिजनेस है हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन नेक्स्ट डिजिटल ऑल्सो ओन बाय सेम प्रमोटर कंपनी और सेम प्रमोटर्स अशोक हिंदुजा है ठीक है सो so, यहाँ पे एक और बात ये हो गई दूसरा मैंने आपको बताया था मैं आपको वापस से एक आई टेल यू कैसे यहाँ पे गेम सो हियर इट इज अब यहाँ पे क्या गेम है देखो आप ये देखोगे प्रमोटर ये नेक्स्ट डिजिटल का शेयर होल्डिंग पैटर्न है सबसे पहले नेक्स्ट डिजिटल प्लेड अ वेरी स्मार्टली अ गेम अन थिंग देखो ये सब काम हुआ था जैन 2022 में है ना बेचने का एंड मर्जर ऑफ नेक्स्ट डिजिटल लॉस मेकिंग बिजनेस विद द बेसिकली यू नो हिंदुजा लेलैंड ले को जो सॉरी हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन को जो बेचने का काम हुआ था वो जैन में अनाउंस किया था उससे पहले प्रमोटर्स ने टू स्टेक पढ़ाया था ठीक है आप समझ रहे हैं कहाँ पे क्या गेम हो रहा है दूसरा यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ वो ये है ये सारी कंपनीज इंडसेंड बैंक रिलेटेड है ठीक है या फिर इंडसेंड बैंक की है, या फिर इंडसइंड बैंक की होल्डिंग कंपनीज है इंडसइंड बैंक इज ऑल्सो ओन बाय हिंदुजा ग्रुप ठीक है अब यहाँ पे क्या क्या है अगर आप देखोगे इंडसेंड का यहाँ पे एक कंपनी है इंडसेंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स दिस इज द मेन प्रमोटर कंपनी ऑफ इंडस बैंक अभी हिंदुजाज ने क्या किया एक कंपनी के अंदर तो इस एंटिटी को प्रमोटर बताया एक कंपनी के अंदर इसको प्रमोटर नहीं बताया इट्स जस्ट बिकॉज टू शो दैट द प्रोमोटर्स होल्ड सिमिलर काइंड ऑफ स्टेक और वट यू से ठीक है सो दे हैव ऑलरेडी प्लानिंग ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम सेप्टेंबर ट्वेंटी ठीक है तो आप समझे कि यहाँ पे जो दस परसेंट स्टेक ये ये लोग बैठ, लेके बैठे हैं ठीक है थीके? ये बेसिकली प्रमोटर्स ही है तो प्रमोटर्स हो आर होल्डिंग सेवेंटी फाइव परसेंट स्टेक बट दे है डिस्कलोज दे हैव क्लासिफाइड देम एज अ पब्लिक शेयर होल्डर नॉर्मल डी करके ठीक है यहाँ पे ये सब चीज़ें होती है अब अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि यार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या रोल है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड हैव प्लेड अ बेटर रोल सो आई विल टेल यू यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है देर देर आर आर्टिकल्स ऑन इट सो या अगर अपन देखेंगे तो पहली बात तो ये यहाँ पे क्या हुआ है सो देर इज़ अ मिस्टर वाई एम केले ठीक है ये हिंदुजा ग्रुप लिमिटेड से बहुत टाइम तक एसोसिएटेड थे ठीक है उसके बाद एक यहाँ पर लॉयर है भूमिका बत्रा ये भी हिंदुजा ग्रुप से रिलेटेड थी देन देयर इज ए एम्प्लॉय सुधांशु त्रिपाठी ये हिंदुजा के लिमिटेड में एम्प्लॉ है दीज ऑल पीपल आर नो बडी बट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ दीज कंपनीज ठीक है सो बेसिकली द क्वेश्चन ऑन इंडिपेंडेंस रेसेस ये हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के अंदर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है जो एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं है बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद कंपनी एक्स वाई इन एक्स वाई जेड मैनर उसके बाद हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशंस में ऑलरेडी ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का कांड हुआ है ठीक है दो में क्या हुआ था बेसिकली देर वॉर सिक्स डायरेक्टर्स जिन्होंने एक साथ रिजाइन किया था बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ एलिगेशन ऑल्सो ठीक है तो देर इज अ लॉन्ग वे ऑफ एलिगेशन इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज ठीक है सो हाउ द हिंदुजा कंपनी इज़ ऑपरेटिंग यू कैन अंडरस्टैंड यर ऑल्सो आई मेड अ चार्ट आई क्विकली गो थ्रू अ हैंड रिटन चार्ट ऑन ओके अ क्विक रिविजन ऑफ वॉट एक्जैक्टली हैपन अगस्त ट्वेंटी वन में हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन हेल्थ केयर बिजनेस टू बेरिंग फॉर सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ नाउ हाउ दे यूटिलाइज दोस फंड इन दैन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दे अनाउंस बिकॉज उस टाइम वो डील कंप्लीट हुई थी वो पैसा आया था

यू नो वॉट एग्जैक्टली आई से डी लेवरेजिंग ऑफ अ नॉन कोर बिजनेस और डी सेलिंग द नॉन कोर बिजनेस अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या होगा मैं आपको बताता हूँ वॉट इज द की मॉनिटरेबल थिंग टू बी वॉच आउट फॉर तो अभी जो नेक्स्ट डिजिटल में अभी बेसिकली अंदुजा लेलैंड फिनेंस मर्ज हो जाएगा आफ्टर अ फ्यू पीरियड ठीक है इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ अशोक लेलैंड विल बी क्लासिफाइड ठीक है इन नेक्स्ट डिजिटल एज अ शेयर होल्डर ठीक है इफ दे आर वेरी स्मार्ट दे विल डिस्क्लोज इट एज अ पब्लिक शेयर होल्डर बट इतना बड़ा गेम हो नहीं सकता और उसके बाद आपको यह देखना पड़ेगा टू ईयर थ्री ईयर डाउन द लाइन वॉट अशोक लेलैंड डू विद दिस कंपनी बिकॉज अब ये प्रमोटर बन जाएंगे और इनके पास स्टेक होगा नेक्स्ट डिजिटल के अंदर एक मेजॉरिटी स्टेक होगा और यू कैन से सिग्निफिकेंट स्टेक होगा सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ अशोक लेलैंड इज गोइंग टू सेल

किस तरीके से पैसा घुमाते हैं किस तरीके से डिस्क्लोजर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं किस तरीके से इंडिपेंडेंस डायरेक्टर्स को बेस अपॉइंटिंग बेसिकली देयर क्लोज एड्स एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ठीक है वी राइट लॉट ऑफ थिंग्स ऑन ट्विटर ओके सो वी रिसेंटली रोट अबाउट वॉट हैपनिंग इन पराग मिल्क ठीक है हमने बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज ऑलरेडी कवर किए वी हैव अ वेरी गुड वीडियो ऑन इवन ब्राइट हमने काफ़ी उसको कवर किया है

what are the uh, questionable transactions companies are doing how they are doing okay? and uh, there are a lot of things we have already covered so um, we don't need to uh, publicize again and again the same thing so that's all from my side this will give you a lesson that how not to invest in these kind of companies ओके सो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स कैसे हो रहे हैं किसी भी कंपनी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स कैसे हो रहे हैं उस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल कैसा है अभी आप हिंदुजा ग्लोबल का रिटर्न ऑन कैपिटल देखने जाओगे इट विल बी वेरी ऑप्टिकली वो हाई दिखेगा बिकॉज दे हैव सोल्ड देयर बिजनेस बट अपार्ट फ्रॉम दैट डील अगर आप देखोगे तो आर ओसी उसका कम दिखेगा दिस रीजन अ क्वेश्चन की कंपनी कैपिटल एम्प्लॉय कैसा कर रहा है ठीक है जनरली एक अच्छा बिजनेस कैसा होता है आई गिव यू एन एग्जाम्पल देर इज अ कंपनी कॉल्ड मजेस्को सो मजेस्को सोल्ड देयर ओल्ड बिजनेस ठीक है एंड देविडेंट देब्यूटेड ह्यूज डिविडेंट अमंग द शेयर होल्डर्स ठीक है दे हैव सोल्ड सम देर रियल एस्टेट बिजनेस बिल्डिंग्स शेयर कर उन्होंने बेच दी थी एंड नाउ दे गेट इन टू अनादर बिजनेस विच विच इज़ अ रियलिटी टेक बिजनेस ठीक है तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ओके मैजेस को मैं आपको समझना चाहिए कि बेसिकली प्रोमोटर चाहते तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करते बाय नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द फंड और एक और केस है क्लासिक केस एल्डर फार्मा है प्रभात डेयरी है एरिस लाइफ साइंस है जहाँ पर बेसिकली इस तरह की चीज़ें हुई है कि कंपनी ने बिजनेस बहुत बड़ा बेचा है बट वो बिज़नेस से जो पैसा आया वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह इधर उधर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करके फंड को डाइवर्ट कर दिया गया तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि कभी भी कोई कंपनी बड़ा बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस बेचती है तो उसका पैसे का क्या करने वाली है ऑलवेज़ आज दिस क्वेश्चन इन द कॉर्न कॉल हैव अ क्वेश्चनेबल माइंड कि वो क्या करने वाली है और उस वो पैसा जा कहाँ आ रहा है कैश फ्लो जनरेट क्यों नहीं हो रहा है ठीक है uh, हम लोग ने बहुत बार एक सिंपल रेशो भी डिस्कस किया है कि आप कभी भी कंपनी में देखिए कि नेट प्रॉफिट जो होता है वो आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस होना चाहिए वो करीबन 80 परसेंट से 120 परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट होना चाहिए जो कंपनी अपना प्रॉफिट प्रॉफिट भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में नहीं कमा पा रही है कैश नहीं जनरेट कर पा रही है अपने प्रॉफिट जितना भी तो उस कंपनी में बेसिकली कैश फ्लो इशूज़ हैं ठीक है सो दिस इज़ जस्ट अ रेशियो एंड दिस आर जस्ट एन इन्वेस्टिंग लेसन वी ट्राई टू एजुकेट यू अबाउट इट so that's all from my side if you like this video please share as much as you can so that all other people get uh, uh, you know get knowledge about it and also please subscribe to our channel if you like our content thank you so much